नमस्ते, माय नेम इज परम। माय डियर फ्रेंड, यदि आप अपने मन या मस्तिष्क में लगातार आते हुए एक विचार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या अपने विचारों की दुनिया को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लगातार इमोशनल बॉडी को हर्ट कर रहे हैं, उसके दर्द से आप दुखी हैं, तो ये वीडियो निश्चित ही आपको राहत देगी। आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप किसी विचार से परेशान हैं तो निश्चित ही वो विचार नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव विचार की ऊर्जा नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर करते हैं, उसी से हमें परेशानी होती है। कोई भी इंसान शिकायत नहीं करता कि मेरे अंदर पॉजिटिव विचार उठते हैं, मैं उनसे परेशान हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि पॉजिटिव विचार उठते हैं तो उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, इमोशंस भी वो आपके पॉजिटिव ट्रिगर करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यदि आपके अंदर पैदा होंगे, ऊर्जा आपकी यदि पॉजिटिव होगी, तो वो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी। नेगेटिव एनर्जी आपको डिके करती है, आपको सक करती है, आपको नीचे गिराती है, जिससे कि आपको कष्ट होता है। नेगेटिव विचार में जब हम फंस जाते हैं, लगातार वो हमें अटैक करता रहता है, वो हमें दर्द करता है, तो इससे निकलने के लिए साथियों बहुत बार जो तरीका हम अपनाते हैं, वो अपने तरीके अपने इतने गलत हो जाते हैं कि हम उनकी वजह से ही फंसते रहते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हम प्रयास निकलने का कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम कुछ गलतियाँ करते हैं, हो सकता है आप भी इनमें से कोई एक गलती कर रहे हो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार हमारे अंदर उठता है, कोई भी विचार किसी को भी लेकर के उठ सकता है, वो नेगेटिव विचार इतना अपने आप में बहुत बार गंदा या भयानक होता है, तो उठने के बाद में हमें लगता है कि ऐसा विचार मेरे अंदर कैसे आ सकता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरा ऐसा विचार नहीं है, मेरे अंदर ऐसे विचार आने का मतलब क्या है। जब आप अपने आप को कोसने लगते हैं तो यहाँ से आपके अंदर में गिल्ट पैदा हो जाती है। आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा विचार क्यों आता है, क्या करूं, मेरे ऐसे अंदर विचार नहीं आने चाहिए। नंबर एक, जब आप ऐसी धारणा के साथ में उस विचार को डील करते हैं, तो यहां पर विचार अपने आप में नेगेटिव है, पहले ही उसका दर्द आपको है। दूसरा, आप दर्द एक अपने आप को गिल्ट देकर के पैदा कर लेते हैं। गिल्ट अपने आप में बहुत हैवी और नेगेटिव इमोशन है, जो आपको नीचे गिराता रहता है और परेशान करता रहता है, आपका दुख और बढ़ जाता है। दूसरा, बहुत बार आप इस नेगेटिव विचार से लड़ने लगते हैं, आप उसको रेजिस्ट करने लगते हैं ताकि ये ना आए। जितना ज्यादा आप विचार से लड़ते हैं साथियों, उतनी ही उस विचार को ताकत मिलती है। विचार की अपनी कोई ताकत नहीं होती, लेकिन यदि आपकी अटेंशन उस पर बार बार जाती है, आपका फोकस उस विचार पर हो जाता है, तो विचार को एनर्जी मिलने लगती है, उस विचार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और वो विचार लगातार बार बार आपको परेशान करता रहता है। मेरा मतलब, यदि विचार बार बार उठेगा, परेशान करेगा, तो उसका दर्द या दुख आपको होगा। कई बार एक तीसरी गलती हम करते हैं कि उस विचार को, उठने वाले विचार को सही मान लेते हैं और उसके साथ में बहना शुरू कर देते हैं, उसके साथ में चल देते हैं। विचार नेगेटिव है तो आप उसके साथ चलेंगे, परिणाम भी नेगेटिव ही होगा, वहाँ से भी कष्ट ही हमें मिलने वाला है। यदि आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको इनसे बाहर आने की ज़रूरत है। बाहर आएंगे तो निश्चित ही आपको राहत मिलेगी, वरना लगातार परेशानी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो परेशानी को लेकर के हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इसे OCD का नाम दे करके दवाइयाँ हमारी चालू कर देते हैं, लेकिन परिणाम वहीं का वहीं रहता है, हमें राहत नहीं मिलती। अब सवाल है कि हमें राहत कैसे मिले। इसके लिए दोस्तों मैं कुछ मेटाफोरिकल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, शाम तक अनेक लोगों से डील करते हैं, अनेक लोग हमें मिलते हैं रास्ते में, वर्क प्लेस पर हमें जो लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरे, गलत या गंदे भी होते हैं, जिन्हें आप नेगेटिव लोग भी बोल सकते हैं। अब जो हमें लोग नेगेटिव मिलते हैं, जो लोग हमें अच्छे मिलते हैं, दोनों ही तरह का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। अब यदि हम ये सोचने लगे कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन नेगेटिव लोग, गंदे या बुरे लोग हमें क्यों मिल जाते हैं, साथियों पहले समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये दुनिया अच्छे और बुरे दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन है। इसमें दोनों हमेशा बने ही रहेंगे, अनुपात में भले ही भिन्नता आ जाए। यदि हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं तो मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका अपना एग्जिस्टेंस है, वो है तो हमें मिलेंगे। यदि वो हमें मिलते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पर देखिएगा कि आप क्या करते हैं। आप उनका विरोध करते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, या आप उन्हें अवॉइड करते हैं। तीन तरीके हमारे पास हैं बाहर की दुनिया में नेगेटिव लोगों को डील करने के। जब वो आपको मिलते हैं, यदि आप उनका विरोध करने लगेंगे तो उनको ताकत देने लगेंगे। जब आप उनको ताकत देंगे तो वो आप पर भारी पड़ जाएंगे, आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी देंगे।
नंबर दो, यदि आप उनकी बात मान करके उनके साथ चलेंगे या उन्हें अपने घर ले जाएंगे तो वो भी आपको परेशान करने वाले, वहां से भी आपको दुख या तकलीफ पैदा होगी। तीसरा तरीका है कि जो इंटेलिजेंट है कि आप इन्हें अवॉइड करें, आप इन्हें अनदेखा करें, आप इन्हें अनसुना करें। ऐसा करने से उनका इंटरेस्ट आप में नहीं आएगा, आपकी एनर्जी उनके पास नहीं जाएगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, अक्सर आप इनसे बचते रहेंगे। जो तरीका हम बाहर की दुनिया में अपनाते हैं साथियों, ये तरीका हमें अपने अंदर की दुनिया में अपनाना होगा। जैसे ही हमारे अंदर कोई विचार उठता है नेगेटिव, तो पहले सोच लीजिएगा अपने अंदर गिल्ट को जन्म ना दें, अपराध भाव में ना जाएं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर ऐसा या गंदा या बुरा विचार कैसे उठ सकता है। हर ह्यूमन माइंड के अंदर किसी भी तरह का विचार उठना स्वाभाविक है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। किसी भी ह्यूमन माइंड के अंदर अच्छे विचार भी बहुत उठते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार भी उठते हैं, ये बिल्कुल संभव है, प्रैक्टिकल है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव विचार आपके अंदर की दुनिया में उठता है, भी आपकी चॉइस है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। आप उसका विरोध करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसे एनर्जी मिलेगी, वो लगातार आपकी इमोशनल बॉडी को दर्द देगा, जिससे आपको परेशानी होगी, तकलीफ होगी। यदि आप उस नेगेटिव विचार को सही मान करके उसके साथ बह जाएंगे, उसके साथ चलेंगे, तो नेगेटिव विचार आपको नेगेटिव परिणाम ही लाएगा। तीसरा तरीका है कि आप उस विचार को अवॉइड करें। अवॉइड करने का मतलब है कि उसके साथ ना जुड़ना है, ना विरोध करना है, सिर्फ आपको अपने काम में फोकस करना है। जितना ज़्यादा फोकस आप अपने काम पर बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अवॉइडेंस आप उस विचार की कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप उसे अवॉइड करेंगे, वो कमज़ोर होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, गिर जाएगी या बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा, आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अभी हमने समझा कि हम अंदर की दुनिया में उठने वाले विचार को कैसे डील करेंगे, सिर्फ इसी तरह से जैसे बाहर की दुनिया में नेगेटिव लोगों को हम डील करते हैं। लेकिन ये समझदारी बहुत बार हमें वक्त में काम नहीं आती, क्योंकि ये मात्र एक इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए मैं आपसे एक अभ्यास शेयर करता हूँ, यदि आप उसे हर रोज करेंगे तो निश्चित ही आपके डे टू डे लाइफ में वो हेल्प करेगा। आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिले, एक बार या दो बार या तीन बार आप बैठ जाएं, थोड़ी देर आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद में अपना ध्यान थोड़ी देर सांसों पर लगा लें। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, सांसों पर ध्यान लगाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसा करने से आपकी अननेसेसरी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है, मन आपका शांत होने लगता है। अब आप बैठ करके अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ऑब्जर्व करें, एक दृष्टा भाव में आ जाएं। अब आप देखना शुरू करें कि आपके मन और मस्तिष्क में क्या चलता है। अब आप अपने ही मन मस्तिष्क की मॉनिटरिंग करने के लिए जब बैठेंगे तो आप उसे बेहतर मॉनिटर कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर विचार उठेंगे, अच्छे विचार भी उठेंगे और बुरे विचार भी उठेंगे। मैंने बोला है स्वाभाविक है, जब अच्छा विचार उठे या बुरा विचार उठे तो सिर्फ आप यहाँ पर एक प्रयास करते रहेंगे या यहाँ पर सिर्फ आप अपनी एक अवेयरनेस बना करके रखेंगे, जागरूकता में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे कि आपको किसी भी विचार के साथ में जुड़ना नहीं है। अच्छे विचार को भी सिर्फ देखना है और बुरे विचार को भी सिर्फ देखना है। आप पाएंगे कि विचार उठ रहे हैं और वो डिजोल्व हो रहे हैं, या विचार आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। अच्छा विचार भी आएगा चला जाएगा, बुरा विचार भी आएगा चला जाएगा। आप दृष्टा भाव में बने हुए हैं, आप उससे जुड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब विचार से अपने आप को कैसे डिस्कनेक्ट करना है, इस अभ्यास को यदि आप रोज हर दिन 10-15 मिनट भी यदि करेंगे तो आप जब अपने दिन में या रात में जब आपके अंदर विचार उठेंगे तो आप उससे जुड़ना भूल जाएंगे। आप वहां पर दृष्टा भाव पैदा रखेंगे, आपकी अवेयरनेस वहां पर काम आएगी, और यदि आप विचार से जुड़ेंगे नहीं तो विचार की जो नेगेटिव इमोशनल एनर्जी है वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको तकलीफ नहीं देगी। ऐसा आप हर दिन में 2 या 3 बार करें यदि आपको ज़्यादा परेशानी है। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यदि आप बैठ करके अपने विचारों को देखने का अभ्यास करेंगे, शुरू में थोड़ा सा ऐसा मानने लग सकता है, लेकिन करते करते आप अपने विचारों को देखने लगेंगे। जागरूकता बनाए रखनी है कि उनसे जुड़ना नहीं है। ये अभ्यास शुरू में हमें करना होता है, फिर हमारे जीवन में अपने आप घटने लगेगा, होने लगेगा। इसी से आपके जीवन में सुख और शांति पैदा होगी। इसके लिए किसी दवाई की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको राहत मिलेगी। फिर आप शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। यदि साथियों आप विचारों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं इस उलझन से, तो हमारे 21 डे इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर ना दवाई है ना कोई जादू टोना है, सिंपल कुछ तरीके हैं। यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको राहत मिलेगी, जिसके अमेजिंग फीडबैक हमारे पास में है। बेटा मेरी खुशी, आपको मैं वर्ड्स में नहीं समझा सकती जो मिराकल आपने किया है 15 दिन में मेरी लाइफ में। रब ईश्वर आपको दुनिया की हर खुशी दे, बस ये दुआ कर सकती हूँ आपके लिए।
एक माँ का आशीर्वाद अपने बेटे को, जिससे मैं कभी मिली तो नहीं लेकिन मिलना जरूर चाहूंगी कोविड के बाद। एन एल्डरली लेडी वन ऑफ अवर पार्टिसिपेंट। माई डियर फ्रेंड, इस प्रोग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक कर आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रस्ट इट, दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम, यदि आप उसे पूरा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में करते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।